ओब्वियसली जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ये पोस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो प्लेटफॉर्म क्या है, उस प्लेटफॉर्म से आपको क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे और उसको बिल्ड हुए कितना टाइम हो गया, आपको क्या क्या फैसिलिटीज दी जाएंगी कोर्स में, वो सारा कुछ आपको पता होगा तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी ये चीज़। ठीक है, तो हम अपना स्टार्ट लेते हैं। स्टेप अप टेक बेसिकली, मैं स्टार्ट करने से पहले सबको क्लियर कर देती हूँ कि स्टेप अप टेक एक गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। आप जो है वो SECP वेबसाइट पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं, मैं आपको लास्ट पर सर्च करके दिखा भी दूंगी, आप देख लीजिएगा। जो स्टेप अप टेक है ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म है। और स्टेप अप टेक का बेसिकली जो मिशन है, हमारा जो प्लेटफॉर्म में चीजें करवाई जा रही हैं, हम डिफरेंट कोर्सेज, सर्विसेज और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, डिजिटल स्किल्स सिखा रहे हैं। हमारा पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो ओवरऑल डिजिटल स्किल्स के ऊपर है। डिजिटल स्किल्स में हमारी ई कॉमर्स, फ्रीलांसिंग, ओवरऑल सारी स्किल्स ही आ जाती हैं। और प्रॉपर एक स्किल, एक हुनर सिखाकर, जो हमारी यंग यूथ है, कोई भी जनरेशन है, उसको एक प्रॉपर स्किल सिखाकर, हुनर सिखाकर, तो डिजिटली अर्निंग के वेज बताए जा रहे हैं। बाकी अगर इस प्लेटफॉर्म की फाउंडर, CEO एंड डायरेक्टर की बात की जाए तो ये प्लेटफॉर्म मैम किंजा मूसा ने बिल्ड किया था। 15 नवंबर 2022 में ये प्लेटफॉर्म स्टेप अप टेक इस्टेब्लिश हुआ था। और स्टेप अप टेक का जो मेन एम है वो एक हमारा जो एक डिजिटल इंस्टीट्यूट है इसको वर्ल्ड वाइड लेके जाना है। ऑब्वियसली हम पाकिस्तान में तो स्टेप अप टेक को लोग रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, लोग जानते हैं स्टेप अप को। ऑब्वियसली आप स्टेप अप टेक के आज इस डेमो सेशन में बैठे हुए हैं तो ऑब्वियसली आपको इसका पता चला है, तो आप यहाँ पर आके आज डेमो सेशन अटेंड कर रहे हैं। तो इनशाला अब जो हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट एम है, नेक्स्ट टारगेट है, स्टेप अप को वर्ल्ड वाइड रिकोगनाइज करवाने का, अपने पाकिस्तान को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज करवाने का एम है। तो इंशाल्लाह वो भी स्टेप बाय स्टेप अचीव हो जाएगा। और अगर हमारे विजन की, हमारे मेन मिशन की बात की जाए तो वो कोई भी एक पर्सन है, वो चाहे एक कॉलेज स्टूडेंट है, वो चाहे एक डिग्री होल्डर पर्सन है, एक हाउसवाइफ है जो बाहर नहीं जा सकती और कुछ अर्न करना चाहती है घर रहकर, और कोई भी एक जॉब होल्डर पर्सन है जो अपनी इनकम को एज अ पार्ट टाइम और इंक्रीज करना चाह रहा है, या एक जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है वो अपना कुछ पार्ट टाइम जो है वो काम करके कुछ अपने एक्सपेंस निकालना चाह रहा है, उस हर एक पर्सन की अर्निंग स्टार्ट करवाना है वो डिजिटल स्किल्स, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो है ही ऑनलाइन का, सारा कुछ जो है वो डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, डिजिटल ही होने वाली है हर चीज। आप आज यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो इनशाला आफ्टर 1 ईयर टू 2 ईयर आप यहाँ पर अच्छा अपना फ्यूचर बिल्ड करके बैठे होंगे। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर हाउसवाइफ, फॉर जॉब होल्डर, फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स। आप इजीली, हम मेन मकसद जो मेन विजन है स्टेप अप टेक का, वो एक पैसिव इनकम जनरेट करना है हर पर्सन की, जो चाहे वो एक स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है या जॉब होल्डर है, कोई भी पर्सन है, पैसिव इनकम उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करवाने की। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी बैचेस कंप्लीट हो चुके हैं, हमारा मेन मोटिव जो है हमने इसको फुलफिल भी किया है, क्योंकि स्किल्स आप सीख सकते हैं इजीली, लेकिन एक चीज सीखना और उस चीज पर अपनी अर्निंग स्टार्ट करना, उस स्किल को बेचकर क्लाइंट्स लेना एक दूसरा पॉइंट होता है। तो वहां तक आपको गाइड किया जाता है कि आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकें, अर्निंग पॉइंट तक आपको जो है वो गाइड किया जाता है। अब जो है पाकिस्तान में बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूट हैं, आपको स्टेप अप टेक को ज्वाइन करने से क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? फर्स्ट इसमें चीज ये है कि आपके लाइव सेशंस हैं और जो है वो आपके साथ रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल हैं। एंड सेकंड चीज, 3 डेज ट्रेनिंग है, आपका एक फ्लेक्सिबल टाइम होगा, एक दिन आपकी क्लास होती है और एक दिन जो है वो क्लास नहीं होती, ताकि आपको प्रैक्टिसेस का, आपको अपनी जो चीजें हो रही हैं वो साथ साथ कवर करने का, प्रैक्टिस करने का, हर चीज का टाइम मिले साथ साथ। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो मेन चीज होती है, आप कोई भी स्किल सीखते हैं तो आपको एक मेंटोर की, गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है, चाहे कोर्स के साथ साथ हो या कोर्स के बाद हो, कि आपके पास एक मेंटोर हो, आपको जहाँ जो प्रॉब्लम आ रही है, किसी क्लाइंट के साथ काम करते हुए प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको कोई गाइड करने वाला हमेशा अवेलेबल हो। तो वो हमारी तरफ से लाइफ टाइम मेंटोरशिप दी जाती है, कंप्लीट गाइडलाइंस हमारे व्हाट्सएप के थ्रू भी आपको प्रोवाइड की जाती है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस वगैरह कर सकते हैं, टीचर्स की तरफ से आपको हमेशा 24/7 सपोर्ट मिलती है।
और क्लासेस के साथ साथ आपके जिस तरह सेशंस हो रहे हैं, जनरल मीटिंग्स अलग हेल्ड की जाती हैं ताकि आपकी क्यूरीज क्वेश्चंस वगैरह साथ साथ क्लियर होते रहें। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्लाइंट्स हंटिंग स्किल आप सीख लेते हैं। मोस्टली लोग क्या रहे होते हैं, हमारे पास क्लाइंट्स नहीं है, तो आपने क्लाइंट्स किस तरह हंट करने होते हैं। फ्रीलांसिंग का जो एक कंप्लीट कोर्स होता है, आप दराज की एक स्किल सीखते हैं, आप जो है वो एक दराज सीख लेते हैं, अमेजोन VA सीख लेते हैं, या फिर आप कॉन्टेंट राइटिंग या जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है। फाइवर पर जो है आप सर्टिफिकेट, हमारा रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, जिस तरह मैंने ये फर्स्ट अपनी बात जब स्टार्ट की थी, मैंने ये चीज तभी आपको क्लियर कर दी थी कि हमारा एक गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म है। तो लास्ट पर आपको एक सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलता है जो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। ओब्वियसली आप एक स्किल सीखेंगे, स्किल एक हुनर कभी भी आपका वेस्ट नहीं हो सकता। आप एक जॉब के लिए भी जाते हैं ना, और जॉब में आपकी CV के अंदर जो डिफरेंट और स्किल्स मेंशन होती है ना, वो चाहे डिजिटल स्किल्स हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, जो अमेजोन VA हो, या जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, आप कोई भी एक स्किल्स मेंशन होती है ना, वो लोग उस पर्सन को ज्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि आपके आप में कुछ और फर्दर स्किल्स भी हैं, आप उन पर भी काम कर सकते हैं, वो कंपनी आपसे उन स्किल्स पर भी बेनिफिट ले सकते हैं। स्किल एक ऐसी चीज है जो आपसे कभी कोई छीन सकता है, चाहे जो मर्जी हो जाए, आपकी एक ऐसी स्किल जिस पर आप लाइफ टाइम अपनी अर्निंग कर सकें। इसलिए जो है वो अपनी स्किल पे फोकस किया करें। और कंप्लीट मैंने ओवरऑल एक इंट्रो दिया स्टेप अप टेक का, हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारा मेन मिशन क्या है, आपको कोर्सेज में क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। सिर्फ दराज नहीं, हमारे और 30+ कोर्सेज हैं, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी कोर्स की भी स्किल सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो आज हमारा दराज का डेमोस्ट्रेशन है, ये मैम लाइबा अभी स्टार्ट करती हैं, मैम लाइबा ज्वाइन भी हो चुकी हैं मीटिंग में, वो प्रॉपर अभी आपको दराज से रिलेटेड कंप्लीट एक्सप्लेन कर देंगी। लास्ट पर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी कंफ्यूजन होगी, तो वो आप माइक अनम्यूट करके तो मैम से डिस्कस कर सकेंगे, अपनी क्यूरीज वगैरह क्लियर करके ही आप यहाँ से जा सकते हैं। तो मैम लाइबा आप सुन रही हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच मैम इकरा जी। मैं बिल्कुल सुन रही हूँ। जी सर, एम आई ऑडिबल? आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल मैम, आपकी वॉइस क्लियर है। जी ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आई एम लाइवा खान, और मैं आपको दराज माइक्रो प्राइवेट लेबल और वर्चुअल असिस्टेंट दोनों का एज अ होल कोर्स प्रोवाइड करूंगी इस सेशन में, ठीक है? तो अभी उसी का डेमो सेशन है, जो आगे कोर्स हम लोग इंशाल्लाह कल परसों से हमारा कोर्स भी लॉन्च हो रहा है, तो ये हमारा उसके लिए लास्ट एक डेमो सेशन है। तो प्लीज मुझे अलाउ करें कि मैं स्क्रीन शेयर करूं। स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाई शुड यू स्टार्ट योर बिजनेस एट दराज, ठीक है? तो आप लोगों ने, वैसे हमारे पाकिस्तान में यही मिथ है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, ठीक है? आप एक बहुत ज्यादा आपको पैसे चाहिए, तभी जाके आप अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, ई कॉमर्स ने हर चीज बहुत ही आसान कर दी है कि आप एक पॉकेट फ्रेंडली बजट के साथ भी अपना बिजनेस पाकिस्तान में स्टैब्लिश कर सकते हैं। सो एज पर दराज इज कंसर्न, तो आपको दराज पे बिजनेस क्यों स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है? इसके कुछ वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि आप देखते हैं कि आज से थोड़ा सा पहले ई कॉमर्स का रुझान इतना नहीं था, ठीक है? और दराज का रुझान तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अब 2 साल के अंदर अंदर जो दराज का रेवेन्यू है वो काफी हद तक बढ़ा है। 2019 में दराज का रेवेन्यू $200 मिलियन था, राइट? तो अभी 2022 के एंड में जो दराज का नेटवर्थ है वो $1 बिलियन तक एक्सीड कर चुकी है। सिमिलरली जो 50% दराज पे विजिटर्स हैं वो पाकिस्तान में से है। दराज अभी तक सिर्फ 4 कंट्रीज में, ठीक है? उनमें से जो सिर्फ और सिर्फ हाफ पॉपुलेशन है जो दराज यूज कर रही है वो पाकिस्तान में से ही है, कस्टमर्स की बात करूं मैं। और इसके बेनिफिट क्या है? दराज के लिए आपको कोई एक लंबा चौड़ा सीन नहीं करना पड़ता कि आप ऐसे करें कि आपको पता नहीं कहाँ से LLC रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी, ये करना होगा वो करना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दराज पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपना एक CNIC चाहिए, एक बैंक अकाउंट की चेकबुक चाहिए और एक फोन नंबर चाहिए, ठीक है? जिसपे आप अपना दराज का अकाउंट बना सकते हैं। तो ना इसमें आप कोई इतना बड़ा प्रोसेस है कि जो हम कहें कि बहुत टाइम लगेगा दराज पे अकाउंट बनाने के लिए, नहीं। और दराज इस टाइम पाकिस्तान का अमेजोन है, आप इसको ऐसे ही कंसिडर कर लें।
सिमिलरली इसका अर्निंग पोटेंशियल क्या है? तो पाकिस्तान में दराज में जो नॉर्मली जो एक प्रॉपर जिनकी शॉप बिल्डअप हुई हुई है वो 50,000 से लेके 100,000 तक अर्न कर रहे हैं, यानी 50,000 से लेकर 1,00,000 तक वो एक अकाउंट से अर्न कर रहे हैं। मैं जिस तरह आपको भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ अपने शॉप्स का, आपको एक हल्का सा आइडिया हो जाएगा। विजिबल है ये स्क्रीन? जी मैम। ये की मैट्रिक्स आपको नजर आ रहे होंगे सारे, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वो शॉप है जो रिसेंटली, अभी आप उसके ऊपर टाइम देख सकते हैं, इस शॉप को क्रिएट हुआ है अभी पूरा। आपकी ना स्क्रीन स्टक हुई भी है। अच्छा एक हाँ जी अब ठीक है, अभी आपको सामने दराज का एक मैं शो कर रही हूँ कि दराज में किस तरह रेवेन्यू पोटेंशियल है। ये विजिबल है सबको? जी जी मैम जी, ये मैं आपको उस शॉप के दिखा रही हूँ जिसको अभी क्रिएट हुए हुए सिर्फ 30 डेज हुए हैं, ठीक है, अभी 30 डेज भी इसको पूरे नहीं हुए। ये वो शॉप है और इसका आप रेवेन्यू देख सकते हैं, इसका रेवेन्यू क्या आ रहा है, ठीक है। विजिटर्स इस पे एक महीने के अंदर अंदर, अभी तो लोगों को 3 महीने लग जाते हैं अकाउंट को प्रॉपरली इस्टेब्लिश करने के लिए, तो ये एक महीने में ये सब कुछ है कि आप इसके विजिटर देख लें, इसका कन्वर्जन रेट देख लें विच इज टू मच, ठीक है, रेवेन्यू देख लें और पेज व्यूज, ये सब कुछ, ये एक महीने का इसका सारा प्रोसीजर है। आपको थोड़ा सा दिखा दूँ कि दराज पे किस तरीके से वर्क किया जाता है। सो या ये इसका मेन पोर्टल है, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स किस तरह मैनेज की जाती हैं, लगाई जाती हैं, बल्क में कैसे लगाए जाते हैं, FBD क्या है, तो कोर्स की बेसिकली मैं आपको आउटलाइन बता रही हूँ कि अगर आप कोर्स लेते हैं तो इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट हैं, कि आपको सारा प्रोडक्ट लिस्ट करना सिखाया जाएगा, ये जितनी जितनी इसमें चीज़ें आ रही हैं कि बल्क में कैसे करें, इमेजेस को कैसे मैनेज करें, FBD मॉडल क्या है, उसको कैसे किया जाता है, अभी दराज ने एक नया फीचर निकाला है बल्क एडिट, वो कैसे करते हैं। फिर आ जाता है कि ऑर्डर्स मैनेज करना, ड्रॉप ऑफ स्केड्यूल करना, फिर प्रमोशंस में जो जितनी कैंपेन मैनेजमेंट होती है, बंडल्स मैनेजमेंट है, सेलर वाउचर्स, फ्री शिपिंग, सेलर पिक्स, ये सब क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से स्टोर को प्रमोट किया जाता है, स्टोर डेकोरेट कैसे किया जाता है, और ये सारे फीचर्स जो कि एक शॉप को इतना इस हद तक लेके जाते हैं कि उसमें 50,000 से 100,000 अर्निंग आए। अगर आपको मैंने दिखाया जिस तरह के एक मंथ के अंदर कितनी आ रही है, कितना पोटेंशियल है कि 76,000 हो गया है, ठीक है, 76,000 रेवेन्यू जनरेट हो गया है, तो ये इससे बढ़ भी सकता है, अभी स्टार्टिंग है, अभी सिर्फ इस शॉप को क्रिएट हुए हुए 1 महीना हुआ है। तो आपको क्यों स्टार्ट करना चाहिए बिजनेस, उसके कुछ वजहात ये हैं कि हर कोई आजकल आप देखें एक ही साइट पे जा रहा है, अमेजोन 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 अमेजोन, ठीक है, आप लोगों ने भी सुना होगा अमेजोन की तरफ सब जा रहे हैं, तो जब सब चले जाएंगे तो होता ही है कि एक ही चीज़ के पीछे जब सब लग जाते हैं ना, तो जो ऑलरेडी उसमें एग्जिस्टिंग होते हैं लोग ना, उनका काम होता है, और जो ना नए लोग आ रहे होते हैं उनका काम होता है। ये हमारे पाकिस्तान का एक माइंडसेट बन गया है कि सिर्फ अमेजोन 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 अमेजोन, हर कोई कर सकता है, सीख सकता है, लेकिन उसमें आगे बढ़ने की इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि आपको पता है कि 13,000 अकाउंट सस्पेंड हो चुके हैं, ठीक है हमारे। लेकिन अब जो अल्टरनेट है, आप पहले दराज से सीखें, दराज पे एक्सपर्ट बने, अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करें। अब दराज पे सीखने का ये फायदा क्या है कि एक तो आप अपना बिजनेस खुद इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और दूसरा आप VA सर्विसेज भी दे सकते हैं, लाइक किसी और का भी अकाउंट हैंडल कर सकते हैं। राइट नाउ मेरे अपने 4 अकाउंट्स हैं, और अल्टरनेटिवली मैं साथ साथ और जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं, मेरी अपनी टीम है, हम उनके भी अकाउंट मैनेज करते हैं। सो इसमें बढ़ने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अभी आप देखें कि अभी भी बेशक दराज का रुझान काफ़ी बढ़ चुका है, लेकिन आने वाले 2-3 सालों में, जैसे मैं इकरा ने कहा था कि डिजिटल वर्ल्ड बहुत एक्सपैंड कर रही है, ठीक है, तो इसी तरह पाकिस्तान में भी लार्जेस्ट मार्केट प्लेस है ही दराज, दराज के लेवल की भी कोई भी नहीं आई। तो जब आप उसको अभी इस चीज़ में डल्ज हो जाते हैं, अभी सीख लेते हैं, अभी सर्विस प्रोवाइडर बन जाते हैं, तो आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे 1-2-3 साल में आप खुद को काफ़ी अच्छी जगह पे देखेंगे। सो ये बेनिफिट्स हैं, और इंशाल्लाह हमारा 1-2 दिन में कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, तो उससे रिलेटेड किसी की कोई क्यूरी हो तो प्लीज़ मुझे बता दें।
इनके माइक्स अनम्यूट कर दें प्लीज, वन बाय वन क्वेश्चन कीजिएगा। ये कोर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है? नहीं नहीं सर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। आप जिनके थ्रू आए हैं ना, जिन मार्केटर के थ्रू आप आए हैं, आप काइंडली उनसे इसका प्राइस पूछ लें। जी मैम, मुझे ये पूछना था कि ये कितने आप मंथ्स का या कितने अरसे का ये कोर्स आप करवाएंगे? ये कोर्स बेसिकली 1 मंथ के, ठीक है, और इसमें 3 क्लासेस होंगी, तो आपके टोटल 9 क्लासेस में ये कोर्स वाइंड अप हो जाएगा। टाइम ड्यूरेशन इसकी है 3 डेज अ वीक, मैंने आपको बता दिया, और रात को 9 बजे हमने काफी फ्लेक्सिबल टाइमिंग रखी है, ताकि कोई भी अगर ऑफिस जॉब कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट्स हैं, तो वो इजीली इसको अवेल कर सके। क्लास कितनी देर की होगी? 9 से 9 से 10, 10:30 तक के, एज पर इसकी फीस कितनी है? कंटेंट, हेलो, इसकी फीस कितनी है? फीस फीस बोलें प्लीज। मैंने कहा आपके इसकी मतलब पेड क्या है, क्या है इसकी? सॉरी, आके पैसे कितने? पैसे पैसे कोर्स के, कोर्स के पैसे सर, जिनके जिनके थ्रू आपने ज्वाइन किया ना कोर्स, आप उनसे प्राइस पूछें करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, मैं ये क्वेश्चन करना चाह रही थी कि अमेज़न पे तो हम ये कर सकते हैं वर्चुअल असिस्टेंट, यहाँ पे भी आपने कहा है वर्चुअल असिस्टेंट का ये वर्किंग होती है। जी मैम बिल्कुल, आप तो कर सकते हैं। हमारे पास ये प्रोडक्ट लाजमी नहीं है। हेलो, हम रिसेलिंग जो करते हैं मोस्टली पाकिस्तान में, तो हम किसी की प्रोडक्ट्स को यानी हम कर सकते हैं इस तरह के ऊपर? जी जी बिल्कुल कर सकते हैं जी। थैंक यू, यू आर वेलकम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम मैडम। मुझे पता था कि जो कोर्स है आपका ये इजी टू अंडरस्टैंड है, थोड़ा डिफिकल्टी आएगी शुरू में? सर इसको मैंने इतना इजीली आउटलाइन किया कि अगर किसी को दराज की कोई बेसिक्स भी नहीं पता ना, तो उसको भी इस कोर्स के सीखने के बाद जब आपका कोर्स खत्म होगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रैक्टिकली भी गाइड करूंगी, और आप कह रही थी 9 क्लासेस हैं? 9 to 10 इतनी होंगी कि जितनी आउटलाइंस आपको दी गई हैं हर। अच्छा, तो वीक के आप समझ लें कि वीक के अप्रोक्सीमेटली 3 क्लासेस होंगी? जी। अच्छा, 9 onwards होगी? जी जी 9 onwards, 9 to 10, 10:30 इतना टाइम लगता है। क्योंकि देखिए मैंने पहले काफी रिसर्च किया था अमेज़न का, ये वो करते कराते, फिर मैंने कहा चले ये फ्री वेबिनार लेके चेक कर लूं, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी मैं सिकरा के साथ इन टच हूँ, और मैं जा रहा था उस पे अमेज़न वर्चुअल पे सोच रहा था। अगर अगर आप ये समझते हैं कि जैसे अभी आपने बहुत बिगनिंग में ये सारी चीजें डिस्क्राइब की हैं कि सब लोग अमेज़न के पीछे ही लगे हुए हैं, तो हम पहले इससे स्टार्ट लें, तो मुझे भी ये थोड़ा पॉइंट आपका क्लिक किया और मुझे लगा कि ये थोड़ा वैलिड पॉइंट है, तो शायद तो फिर मैं इसके ऊपर रिव्यू करके हो सकता है फिर मैं यही आपका सेशन को ज्वाइन कर लूँ। अच्छा मैडम, ये बताइए कि क्या इसमें इस कोर्स के करने के बाद या जब हम अपना अकाउंट बना लेंगे तो क्या इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत पड़ती है या बगैर इन्वेस्टमेंट की भी काम हो जाता है? सर अकाउंट क्रिएशन में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो आपकी प्रोडक्ट्स की कॉस्ट है वो ही करनी पड़ती है, और उसमें मॉड्यूल्स है। अगर आप माइक्रो प्राइवेट लेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, वेदर इंडिविजुअली या फिर दराज मॉल के थ्रू, तो ये वेरी करता है, तो इन्वेस्टमेंट कभी भी इस पे हम ये नहीं कह सकते कि स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट चाहिए, लाखों में चाहिए,
अगर आप होलसेल मॉड्यूल पे वर्क करते हैं कि होलसेल से परचेज करके आप अपना एक रख के मार्जिन बेचते हैं, तो वो आप वीकली भी जी जी एक क्या बोल रहे हो? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अकाउंट बन गया सारा कि हमने स्टोर क्रिएट कर दिया, अच्छा उसकी रैंकिंग के लिए भी आपका कोई है इसमें लेक्चर कि हम कैसे उसको रैंक? जी सर बिल्कुल, किस तरीके से रैंक करते हैं, रैंक के क्या एल्गोरिथम है, दराज पे कंप्लीट कोर्स है ये, इसमें है शामिल है इसमें? जी जी बिल्कुल इसमें शामिल है, इसमें ए टू जेड सर्विसेज हैं, वही मैंने आपको बताया कि इसमें वर्चुअल असिस्टेंट की भी सर्विसेज हैं और किस तरीके से आप अपना खुद एस्टैब्लिश कर सकते हैं उसकी भी है, उस पे रैंकिंग लॉन्चिंग ईच एंड एवरीथिंग ऑप्टिमाइजेशन सब कुछ इंक्लूडेड है। अच्छा मैडम आप बैकअप सपोर्ट देंगे आफ्टर वन मंथ का जो कोर्स हो जाएगा? श्योर श्योर सर, मैं आपको बिल्कुल बैकअप सपोर्ट दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है मैम, अगर कहीं किसी जगह कहीं हम समझ नहीं पाया तो वो आपका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कराएंगे या इंडिविजुअली? अच्छा इंडिविजुअली आप कांटेक्ट करेंगे, जो भी क्वेरी होगी आप करेंगे और फिर मैं आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करूंगी थ्रू आउट। ओके ये लाइफ टाइम है मैडम या सिर्फ फॉर अ टाइम बीन है? जी जी बिल्कुल, आई एनेबल कि आप एक प्रॉपर मॉड्यूल पे स्टार्ट वर्किंग स्टार्ट कर दें। अच्छा तो इसका इनिशियल जो आप कह रही हैं कि इसका जो स्टार्टअप है अमेज़न से ज्यादा थोड़ा इजी है, आप ये कहना चाह रही हैं ना, यानी कि एक लेमैन, अगर मैं लेमैन हूँ ठीक है एक लेमैन है तो वो फिर इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा या थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा कि इसको समझ लेगा? सर मैंने जो इसकी आउटलाइन बनाई है ना और जो कोर्स को मैंने पोर्ट्रे किया वो इतना इजी है कि जिसको दराज का कुछ दराज में जिसने कभी शॉपिंग भी नहीं की ना वो भी एट द एंड ऑफ कोर्स इतना इनेबल हो जाएगा कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके या सर्विस प्रोवाइड कर सके। अच्छा। इतना सिंपल इस कोर्स को रखा है मैंने। तो इस प्लेटफॉर्म पे हमें इनकी ही प्रोडक्ट्स बेचनी होगी, क्या है क्या ओवरव्यू देंगे इस पे? ऐसे नहीं, दराज का बेसिकली जो कोर्स है ना वो मैं आपको सिखा रही हूँ कि आप एज ए सर्विस प्रोवाइडर ठीक है, अगर आपके पास कोई आता है आप उसको बेचेंगे कैसे अपनी सर्विसेज को, कि आप किसी और का, किसी और की इन्वेस्टमेंट है ठीक है, उसने प्रोडक्ट भी उसके पास है तो आप उसको कैसे लेके चलेंगे, आप उसका अकाउंट कैसे मैनेज करेंगे, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे कि वो कोई क्लाइंट आए उसको हैंडल किस तरह करेंगे? सर वो भी मैं आपको कोर्स में बता दूंगी क्लाइंट हैंडलिंग के क्या क्या मेथड है दराज के। क्योंकि ऐसे ऐसे तो कोई भी नहीं आएगा कि जी आप मेरा प्रोडक्ट सर दराज के क्लाइंट्स, आपको एक बात बताऊं दराज के क्लाइंट्स बहुत इजी टू हंट है आजकल, हर बंदा ही दराज पे बिजनेस करना चाह रहा है, जिन जिन के फिजिकल बिजनेस है ना वो भी ई कॉमर्स की तरफ मूव कर रहे हैं तो उनको क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से हैंडल करते हैं दराज पे अकाउंट्स, तो आजकल बहुत बहुत ज्यादा डिमांड है दराज वीज की। ड्रॉप शिपिंग आप कौन से मॉड्यूल से कह रहे हैं कि लाइक किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू? जी 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 मैम, क्योंकि हमारे पास के पास कोई भी इन्वेस्टमेंट ना हो तो वो कर सकता है कोई ऐसी ड्रॉप शिपिंग कर सकता है? नहीं सर इसके ऊपर अभी दराज ने कोई ड्रॉप शिपिंग मॉड्यूल अलाउ नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे ये मालूम करना है कि नेशनली इसका दराज और अमेज़ॉन जो है इंटरनेशनली काउंट होता है जी, तो क्या इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पास अमेज़ॉन के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है? एक तो मेरा ये क्वेश्चन है और सेकंड ऑप्शन ये है, सेकंड क्वेश्चन ये है कि अमेज़ॉन पाकिस्तान में अलाव है? मेरे ख्याल से इस पे बैन नहीं है पाकिस्तान में, ये दो मेरे सवाल। तो सर पहले तो अमेज़ॉन की क्लास नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं, अमेज़ॉन के अलावा ईबे एटसी वॉलमार्ट ये हैं और दूसरी बात जी बैन है लेकिन कर सकते हैं। तो ये इल्लीगल मतलब काउंट तो फिर इल्लीगल ही होगा ना? इल्लीगल नहीं होता सर, इल्लीगल नहीं होता लेकिन वो सर टर्म्स एंड कंडीशंस है इसमें, वो रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है और इस तरीके की चीज है। ठीक ठीक चलें थैंक यू। यू आर वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि ड्राफ्ट के ऊपर कई दफा ऐसा पॉसिबल होता है कि कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं जैसे कोई कॉस्मेटिक्स हैं या रेवोल्यूशन के या कुछ ऐसा है वो इनलिस्ट हो जाते हैं, क्योंकि मैंने अकाउंट बनाया ड्राफ्ट के ऊपर, मैंने किसी को किया था लो कि वो मेरा अकाउंट चलाएं, ठीक है फीमेल थी, तो उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी थी जैसे कॉस्मेटिक्स की बात कर रहा हूँ उसमें ब्रांड है एक रेवोल्यूशन, मेरे पास प्रोडक्ट्स थी रेवोल्यूशन की, मैंने उठाई कहीं से ली वो मैंने इनलिस्ट करने की कोशिश की उसको मगर सेल आउट करने के लिए, वो उन्होंने कहा कि आपके पास इसको लगाने का राइट नहीं है जी, तो उसके लिए क्या ब्रांड अप्रूवल लेना पड़ता है, ऑथराइजेशन लेटर आपको ब्रांड का मिल जाए ना वो आपको दराज को मेल करना पड़ता है, उनको सबमिट करवाना पड़ता है, फिर वो आपको अलाउ कर देते हैं उस ब्रांड की चीजें लगाने के लिए। नहीं देखिए उसमें ये ना आम मार्केट में वो वैसे सेल आउट हो जाए प्रोडक्ट ना, मेरा क्वेश्चन ये है कि वो आम प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रही है मैं वैसे सेल आउट कर रहा हूँ ठीक है जी, लेकिन ये है कि जब मैं द्रास को लगा रहा हूँ वो उसकी इंग्लिश में वो अप्रूवल मांग रहा है, क्योंकि आप ब्रांड को रेफर कर रहे हैं ना, अगर आप बीच में ब्रांड का नेम मेंशन कर रहे हैं विदाउट अप्रूवल, जब आप ब्रांड का नेम मेंशन करते हैं उनका अप्रूवल या ऑथराइजेशन लेटर आपने द्रास में सबमिट नहीं करवाया होता अपने शॉप के नेम के ऊपर, तो वो तो करेंगे वो उसको डीलिस्ट कर देंगे, अगर आप इन शॉर्ट वाइल उसको लिस्ट कर भी देते हैं वो चल भी जाती है, लेकिन जब द्रास की इस तरह रेवोल्यूशन आते हैं तो वो फिर डीलिस्ट कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम, मैं ना ऑयल फ्रेम पे ना मैं उनके साथ रजिस्टर्ड हूँ, तो अगर मैं वो यहाँ पर पे उसका अकाउंट वगैरह बनाती हूँ तो क्या इसी तरह मेरी चीजें भी सेल नहीं होंगी? आपके पास अगर उनका ऑथराइजेशन लेटर है या उन्होंने कहीं पे आपको रेफर किया है ठीक है जिस नेम से आप शॉप बनाई होगी तो आपकी हो जाएगी, अगर आप उनके साथ एफिलिएटेड हैं तो आप उनसे ले लें एक लेटर, वो तो प्रोवाइड कर देंगे आपको। सही, मतलब हमें कोई वो इश्यू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हम लोग जैसे ये भाई कह रहे हैं कि हम घर में या इस तरह इधर उधर हमारी चीजें सेल आउट होती हैं, तो अगर इसी तरह दराज पे करने के लिए हमें अथॉराइजेशन लेटर्स वगैरह मतलब वो लोग दे सकते हैं आप ये कहना चाहते हैं? मैम दे देते हैं ऑथराइजेशन लेटर दे देते हैं, फिर वो आपको बस एक छोटा सा स्टेप होता है कि एक दो दिन में आपको दराज की तरफ से अप्रूवल आ जाता है वो सबमिट करवाने के बाद। अच्छा इसी बार में ये क्वेश्चन में है वही बात दोबारा कंफर्मेशन, ऑथराइजेशन लेटर कौन लेके देगा? एक बात है मैं प्रोडक्ट उठा रहा हूँ फैसलाबाद से ले रहा हूँ बल्क में, जो प्रोडक्ट्स आती हैं लॉट में मगर ब्रांड की प्रोडक्ट्स आती हैं ठीक है, वो तो आती हैं एज ए स्मगल के ओके, बाकी वो ऑथोराइज होती नहीं है मैं के, लेकिन वो सेल आउट हो रही है पाकिस्तान के अंदर ठीक है। जैसे मैडम ने भी क्वेश्चन किया पूछा आपसे, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि अब वो प्रोडक्ट आ गई, मैंने उसमें इन्वेस्ट की मैं 10,000-20,000 की मैंने प्रोडक्ट उठाई है केजीस में उठाई है, अब मैं पर पीस उसको सेल आउट कर रहा हूँ, अब वो अब मुझे तो कोई एक कस्टमर पर्सन जो शॉप पे है उसको ऑथराइजेशन लेटर वो कैसे एक जो इंटरनेशनल ब्रांड है वो कैसे देगा? ठीक है सर, उसके लिए एक ये है कि आप जब ब्रांड मेंशन कर रहे होते हैं ना तो आप उस ब्रांड को मेंशन ना करें, आप उस टाइम अपना ब्रांड जिस नेम से आपने शॉप बनाई है अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करके ठीक है वो मेंशन करें उन चीजों को लिस्ट करने पे, क्योंकि आपको ऑथराइजेशन नहीं मिल सकता। उसमें ये चीज होता है डिस्क्रिप्शन है, फर्स्ट केयर मैंने एक चीज लेट्स सी मस्कारा ही लगाया है जैसे ओरिफ्लेम की मैडम कह रही है, मैंने मस्कारा लगाया उसके अंदर मैंने डिटेल देनी है इसका ये वाला मस्कारा है या व्हाटएवर जो भी लिपस्टिक है कोई भी प्रोडक्ट है, तो उसका जब उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी जाएगी उसके अंदर तो वैसे ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा, वो तो दराज वाले वैसे ही कहेंगे ये अलाउड नहीं है जी। नहीं ऐसे नहीं होता कि दराज वाले कहते हैं अलाउड नहीं, दराज में इतना नहीं है ठीक है, तो वो ये होता है कि जो आपका ब्रांड वाला ऑप्शन होता है ना जहाँ पे ब्रांड में हम अक्सर गलती ये करते हैं या तो नो ब्रांड मेंशन कर देते हैं या तो जो मिस्ट्रो जो भी इस तरह की चीजें आपने बोला वो मेंशन कर देते हैं, उसके लिए पहले ये होता है कि आपको अपने नेम से जो आपकी शॉप का नेम है उससे ब्रांड रजिस्टर्ड करवाना होता है दराज, जब आप वो करवा लेंगे फिर आप लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है थैंक यू। You're welcome। बोल रहा कौन है? सही वालेकुम सलाम।